इतने सारे ऑप्शन के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या कह रहे? तो राजा ने करा दी है शॉपिंग। तीन को और 7 तारीख मार्च में, पर बहुत टाइम बाद घर की शादी है। बहुत एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वैलेंटाइन डे, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है आज, और वैलेंटाइन डे बसंत पंचमी भी है, तो सबको वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है तो पता होना चल के, ये बसंत पंचमी का दिन पता ही नहीं पड़ती, पूजा होती है सरस्वती जी की है? जी है यार। और ब्लैक डे भी है। तो आज का जो दिन है वो हमने थोड़ा सा फ्री किया है ताकि हम लोग जा पाए, थोड़ा घूम के शॉपिंग वगैरह करें। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमे नहीं हैं, और अभी घर का काम जो है वो लगा हुआ था, तो 10-12 दिन का काम बस बचा हुआ है। तो आज पेंटर नहीं आए, वैसे काम लगना था, पेंटर नहीं आया, तो राजा ने वो जो मिस्त्री का थोड़ा बहुत काम बचा था रसोई में उसको आज रखवाया कि कल वो आगे कंप्लीट कर देंगे। तो वो बस एक स्लैब का काम बचा, बाकी रसोई का जो मिस्त्री वाला काम है वो हो गया, मॉड्यूलर लगनी है, वहाँ पर पुताई का काम है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे और तैयार हो गए थे, बच्चे बच्चे सब तैयार हैं, बस निकलने की तैयारी में हैं हम लोग। प्लीज 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 प्लीज, दिखाई नहीं रही है क्या? कचरा है घर में। येलो येलो देख रहा, देख ना। अरे अब साइड दे, बैंड दो। अच्छा जिया जिया, ऐसे परेशान करोगे तो कैसे घूमेंगे हम? सोएगी वो थोड़ी, है ना? सो जाएगी वो। आना है, आ जा आ जा आ जा आ जा। डोगू आज जिया तो भाई खूबसूरत लग रही है। देखो आप भी दिखाओ, मेरे बच्चे रेड में हैं, सॉरी रेड में है, हाँ मैं ब्लैक में हूँ। मेरा रेड टॉप ऐसा नहीं था जो पहनने लायक रहा, बोलते नहीं पहनना है, पे कट वाला था, तो इसलिए मैंने रेड नहीं पहना, राज ने भी रेड पहना है। फिर मुझसे कह रहे थे कि पहन लेती, मैं बोला नहीं यार, अनकम्फर्टेबल फील होगा मुझे, इसीलिए नहीं पहना। तो अब बच्चों के साथ जा रहे हैं। जिया बड़ी ही प्यारी लग रही है हमारी, इसने डबल पहने हैं। आ जाओ, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो चलिए चलते हैं। जय 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 ओ जय 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 ओ जय ओ जय। अब ये लोग बैठेंगे नहीं एक कार में, इधर उधर फुदकेंगे। रुको एक मिनट बेटा, पार्टी। पतिदेव लेके जाना चाहते हैं मुझे शॉपिंग पे, और बोले शॉपिंग कहाँ से करनी है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला आज का पूरा प्लान तुम्हारी तरफ से है, मतलब जो तुम्हें कराना है, जहाँ घुमाना है वहाँ घुमा लो, मुझे पता कहाँ चलना है एक एक करके बता। मैंने बोला नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, वहीं चल, मैं शॉपिंग क्या ही करूँगी यार? यार अभी क्या शॉपिंग करूँ मैं, अभी से V2 जाऊँगी और कहाँ जाऊँगी, गंजी जाऊँगी नहीं, है ना? गंजीपुरा, यहाँ पे गंजीपुरा एक मार्केट है ऑब्वियसली बच्चों के साथ। और फिर बचता है IV, है ना? IV में क्या ही करूँगी जल्दी से। हाँ बोलो, वो जहाँ चलना चलूँगा मैं। देखो जाती थी पहले क्या बोलते हैं उसे, गंजीपुरा, जब मैं कॉलेज हॉस्टल में थी, एंड देन आफ्टर मैरिज भी जाती थी, वहाँ अच्छा सामान मिल जाता है, बट वहाँ पे बच्चों के साथ जाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही करने लगे, जितना कपड़ा कम पहनते ऑनलाइन ही पहनने लगे, तो जाना नहीं हो पाया, है ना? ऐसे तो राज आप बोल रहे हैं कि शॉपिंग करने चलो, मेरे को शॉपिंग करना आजकल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। पहले मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद था, आजकल मुझे पता कौन सी शॉपिंग करना पसंद है, राशन की, ठीक है, और घर का सामान, घर का डेकोर, घर के, आई थिंक हो जाता है इंसान एक टाइम के बाद ऐसा। जब मेरी मम्मी और मैं हम लोग जाते थे ना शॉपिंग के लिए, तो मेरी मम्मी जैसे पर्दे खरीद रही हैं, बेडशीट खरीद रही हैं, मुझे बड़ी ज़्यादा गुस्सा आती थी, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे ही ना अब मैं वैसी हो गई मम्मी टाइप की। और डुगू जो है, डुगू बोल रही, राजा जो है उनके साथ अगर मैं कोई शॉपिंग जाती हूँ, राजा को पता है अगर मैं टाइल्स देखने जा रही हूँ या कोई इलेक्ट्रिक का सामान देखने जा रही हूँ या फ़ोन देखने जा रही हूँ, कुछ भी गैजेट लाइक ऐसा कुछ सामान देखने जा रही हूँ, तो मैं बहुत बोर होती हूँ, है ना? तो अपने मदर राजा बता, तुम आईफोन भी इंटरेस्टेड नहीं थी जब दिलाने लेके गए थे, तो आई सोच रही हैं क्या करूँ मैं। अब मेरे को अपनी शॉपिंग का भी सोचा है, कौन लड़की छोड़ती है अपनी शॉपिंग, और बोल रही पता नहीं समझ नहीं क्या लो। तो मैं जाऊँगी तो V2 जाऊँगी, अदरवाइज मैं कहीं नहीं, क्योंकि बच्चे थोड़ा घूम लेते हैं वहाँ का ये है। तो अब तो जाना है हमें समर कलेक्शन के लिए, क्योंकि
गर्मी आ रही है यार, यहाँ पे तो गर्मी सी हो भी रही है। हमारी कार में एसी चल रहा है, हीट मार रही है, पता है सुबह मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब मेरी दो दिन से आग पता क्यों खोल रही है, मुझे गर्मी लग रही है। आज मैं राजा से कह रही थी, राजा मुझे एसी चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे घुटन सी हो रही है पता नहीं कि बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी वियर्ड है जबकि यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ अभी तो चलते हैं, है ना, वहाँ पे कुछ दिखता है तो ले लेते हैं अपने। लेकिन अभी विंटर का वो चल रहा होगा सेल, सेल विंटर की चाहिए ही नहीं है। याद करो एक बार उनके उठा के तो यार पता है, मेरे एक ना कजिन की शादी भी है अभी, मतलब कजिन ब्रदर मेरी मौसी के बेटे की, तो 3 और 7 तारीख मार्च में है, 3 की लगन है, तो वहाँ पे पहुँचना है। पर मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर शिफ्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर बहुत टाइम बाद घर की शादी है, बहुत मन भी है, पर तो मेरी मौसी का कॉल आया था अभी बुलाने के लिए, तो मौसी से बात ही हुई थी मेरी, और मेरा ऐसे कह रही थी अगर घर का ही नहीं होता तो हम लोग अभी शादी की शॉपिंग कर रहे होते। हाँ ऑल दो ऐसा नहीं है कि मुझे शॉपिंग करने की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं ट्रेडिशनल में, बहुत सारे बहुत मतलब, बट बच्चों और इनकी कर रहे होते हैं हम शॉपिंग। लग रहा था यार जाने का मन तो बहुत कर रहा है क्या ना, मैं घर भी अपने गई थी डुगू के बर्थडे पे, जब डुगू का फर्स्ट बर्थडे था, डुगू भी 3 साल का होने आ रहा है। हाँ बेटा डुगू भी 3 साल का होने आ रहा है। हाँ 2 साल होने वाले हैं मुझे घर जाए हुए, मम्मी पापा तो बीच में आ गए थे घर गए हुए, ये होता ही है यार। तो हस्बैंड जी ले आए हैं हमें शॉपिंग कराने, और जिया मेरे फ़ोन में लगी है। पॉटी करिए, पॉटी करिए उधर चल बस तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना। इतने सारे ऑप्शन के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये कैसा लग रहा है, प्लेन एकदम, देखो आगे पीछे बहुत सारे होंगे छोड़े कहीं भी, देखो कहाँ गया प्रिया, तो ये कहीं कहीं घूम रहा है अभी तो मिल ही नहीं रहा था, मेरे को लग गया जी। गुड़िया चाहिए, कैटरीना सिमरन। तो राजा ने करा दी है शॉपिंग, और इसमें देखिए एक तवा भी है। तो शॉपिंग मैं करने गई थी, घर की शॉपिंग नहीं कर गई, हल्ला बहुत हो रहा है, तो ये मैं शॉपिंग बैग और ये लुगु जिया राज। तो शॉपिंग करा दी है पति देव ने, वहाँ पे पता समझ में नहीं आई ये मुझे मतलब कही तो कही, तो मैंने बोला यार तवा की शॉपिंग, नेल पेंट खरीदी मैंने, बड़ा खाई जाए मैं दिखाऊंगी है ना। या मेरे को 3 टॉप पसंद आया बस, उससे कुछ आ ही नहीं आया, वो भी मेरे को ऐसे इतने बहुत खास पसंद नहीं आए, पर इनका बहुत मन था कि मैं कुछ ले लूं। और ना ये लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली डुगू ऐसे भग रहा उसके पीछे भगने में लगे हुए, एक बच्चा राजा के हाथ में और एक बच्चा राजा ले गया कि तुम शॉपिंग कर लो बस। तो इन्हें मुझे शॉपिंग करने दी, मैंने नेल पेंट वगैरह ले ली, तवा भी लिया है, कुछ किचन आइटम लिए। बेटू हाँ दे रही हूँ, मैगी वेजिटेरियन मैगी में कौन सी मैगी है, क्या कर रहे हैं लोग ना, लड़ रहे हैं और लड़ ऐसे रहे हैं, उसे टी शर्ट और उसके बाल खींच के मार रही है, वो कहीं वही बैठता है उसके टी शर्ट खींच रही है, पीछे मैंने आई थिंक कल के ब्लॉग में देखिएगा कार की एक क्लिप डाली, उसकी टी शर्ट खींचती है, उसके बाल करती है, कभी कभी वो खेलता है और मैक्सिमम टाइम में फ्रस्ट्रेट होता है और रोना शुरू कर देता है। डुगू उस पर हमला लाइक अभी तक तो नहीं कर रहा है कि उसकी बात वैसा ही कुछ कर रहा हो कि अगर उसने किया है तो उसके बदले वो नहीं कर रहा है, पर फिर भी वो उसको बहुत मार रही है, उसके बाल खींच रही है, उसके गाल खींच रही है, उसको एक दो जगह नाखून का वो भी आ गया। तो इन लोगों ने कार में इतनी ज़्यादा परेशान करके रखा था, मैं वो आई हुई छोटा छोटा पागल हो गई मैं तब से,
भाई छोड़ने को तैयार नहीं, ऐसे लड़ रहे हैं। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी लड़ना शुरू करेंगे। लड़ना भी क्या, एक तरफा वार हो रहा है अभी इसकी तरफ से, और कोई नहीं सोच सकता कि जिया ऐसे वार कर सकती है। पर जिया हमारी बहुत समझदार है इतनी सी उम्र में। पर हाँ, मार रही थी भैया को। मार रही हो ना तुम भैया को मार रही हो? जिया मामा जय जय कर दो, चलो। ओ जय जय जय, ओ जय जय जय। मसाला महंगी करवाई है ना? क्या हुआ, क्यों रो रही? क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, उसे भी आना है। देखो उसकी उसकी जिद हो रही है अभी। आपको भी आना है, आपको भी आना है, आपको भी आना है। तो मैं आपको बताऊं, जिंदगी की सबसे रद्दी मैगी खा के आई हूँ मैं आज। याद रहेगा राजा ने मुझे आज के दिन रद्दी मैगी खिलाई, इतनी अजीब सी ड्राई। मामा मैगी पॉइंट जहाँ हम खाते हैं वहाँ नहीं, राजा कुछ और चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने खाई ऐसी गंदी सूखी हुई मैगी थी यार, वो कि अंदर ही नहीं जा रही थी। मतलब कि पूरे तो गुच्छे बने पड़े थे मैदा के, तो मैंने 4-5 स्पून खाई और फिर छोड़ दी। तो बहुत ही रद्दी, बहुत ही रद्दी। मतलब ऐसी मैगी बनाने के लिए भी कोई कला चाहिए कि मैगी भी कोई ख़राब कर सकता है। देखो या तो गली बनती है ना, या कुछ और टेस्ट की बन जाएगी। वो अलग सी ड्राई वो मैगी थी भी, और मैदा चिपका हुआ किस, वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। तो बहुत ही रद्दी मैगी। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एक न्यू प्लेस, और वो रात के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया। लेट्स सी कितना दूर है। अरे वो है कहाँ पे वैसे, देखना पड़ेगा कहाँ है बरेला रोड। तो मेरे को बरेला रोड एक बार मोम डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक बार देखना था। हमें किसी ने कहा था एक बार जाके देखना कि वो प्लेस, देखते हैं वहाँ पे। राजा ने बोला दिखाते हैं, तुम्हें देखते हैं कुछ है, पता नहीं क्या है, परिश्चय है ना रखना। तो यहाँ पे शादी वगैरह हो रही है, और पूल साइड एरिया में इनका रेस्टोरेंट, पर डुगू भगता रहता। तो वही है कि राजा कह रहे हैं कि रिस्की है बच्चों के लिए, जबकि नई जगह थी, हम लोग कुछ नई जगह पर डिनर करना चाहते थे। पर चलिए कहीं और ही देते ना, कक्के दी हट्टी वहाँ पे, वो सब नहीं है, सही होटल रेस्टोरेंट ही है। चल के देख ले। हू टोल्ड यू? हमें कोई और जगह नहीं मिली बच्चों के हिसाब से, फिर हम लोग वापस वहीं आए हैं चूल्हा चौका, और यहाँ पे हमने खटोला लगा लिया है। देखो पापा आ रहे, बाबा के पास जी। सोचा था हम क्या सोच के निकले, तो कहाँ पे आके वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, जैसे वहाँ सजा हुआ है, वहाँ पे अपन चल के अपने फोटो वोटोज खिंचाएंगे, वीडियो वीडियो ले लेंगे। थक गए मैं बहुत, हालत खराब। तो यार ये तो हमेशा का हो गया है, सब आज की बात है, बस नहीं था। तो मैं कार में आते आते इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई, मैं यार रोना निकल गया मेरे को, बस ये थकी मेरे पैर हाथ में दुख गया, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गया यार। मेरे को लगा तुम मुझे घुमाने नहीं, टॉर्चर करने लाए। अरे तो मैं क्या करूँ शानी, हम अकेले होते तो हम तो कहीं भी कहाँ भी, अब मैंने बताया ना वहाँ पे भी बैठ सकते थे, जहाँ पे हम गए थे पूल साइड में बैठ सकते, कहीं बैठ सकते थे ना। यहाँ आके फंस गए, क्या करें बताओ, क्या कर सकते बताओ ना। छोटू और छोटू मोटू
तो इन्हें बच्चे को वॉकर दे दिया, वो वॉकर पे देखो कहाँ है। डुगू का भी ले आओ, दो साथ में लग रहेंगे। हैं डुगू का भी ले आओ, ले आओ ना। हाँ हाँ आ जाओ जियो। So, वैलेंटाइन डे पर बोलना चाहूंगा। हमने पूछ लिया वैलेंटाइन डे पर क्या चाहिए, गौरी को ले लीजिए। हमने पूछ लिया वैलेंटाइन डे पर गौरी के क्या चाहिए, और उस पागल ने हमें खींच कर गले से लगा लिया और वैलेंटाइन डे खत्म हो गया। लोगों ने डिनर कर लिया था, दोनों बाबू मेरे यहाँ पे हैं और हम लोग आए हैं ये नेचुरल, क्योंकि मीठा खाए बिना तो आइसक्रीम, मतलब मीठा खाए बिना तो ऑब्वियसली डिनर नहीं कंप्लीट होगा। तो ये नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल, तो ये नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल आइसक्रीम। और इससे ना मेरे को कोकोनट पसंद है, मैंने ना आई थिंक इस पर ना वाटर आ गया, नो नो थोड़ा सा लेक हम लोगों को लग रहा था मीठा खा ले, क्योंकि केक काटते हम लोग, पर केक खाने का मन नहीं था क्योंकि हम लोग की 18 तारीख को एनिवर्सरी है, अगर आप लोग भूल गए हैं तो, या आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे। बट उससे पहले एक बम फटने वाला है और वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। राजा हाँ? दोनों उठ गए क्या? दोनों उठ गए, दोनों उठ गए। हाँ एक और ले आऊं क्या? आपको खानी है क्या? मेरे को खानी तो नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल रात में हम डिनर करके आए हैं और सेलिब्रेट किया थोड़ा बहुत, बट वैसा नहीं गया। मेरी कार में मेरा रोना आ गया था, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, इरिटेशन हो गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से ना लड़ झड़ने लग रहे थे यार, बहुत ज़्यादा हो गया था गए। और मेरे को बुला से मैंने शेख बोला था कि तुम मुझे टॉर्चर करने लाए हो या घुमाने लाए हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कल दिखा ही नहीं पाई यार, आके हम लोग सो गए। इतनी गहरी इतनी तेज नींद आई थी कि पूछिए मत। तो सो गए, और अभी मेरी कमर इतनी गंदी दुख रही है, इससे कोई हिसाब नहीं है। बच्चे मुझे बहुत देर से, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शूट कर पाऊँ, बच्चे मेरे को शूट नहीं करने दे रहे। तो कल वैलेंटाइन डे की शॉपिंग करी थी और ये है मेरी वैलेंटाइन डे की शॉपिंग। ये एक तवा लेके आई हूँ मैं, ये रोटी का तवा है, और मेरे को ना एक तवा चाहिए था ऐसा वाला, मेरे पास प्रेस्टीज का था, और ये किसी कंपनी का नहीं है, इसमें लिखा है फेलिसिटा। यह 299 का और पड़ा कितने का है, 225 का। तो एक ही वाला तवा लाई, रोटी का तवा, और एक ये लाई। मेरा यहाँ से ना ये टूट गया था, यहाँ से निकल गया ये जो करने वाला होता है वो। उसके बाद फिर एक लाइटर लेके आई हूँ, ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं खोल रही हूँ, इनको मैं जाके रख रही हूँ। तो एक ये लाइटर है, ये देखिए लाइटर की शेप अच्छी थी, तो ये दिल शेप में है, तो मैंने बोला कुछ नहीं तो वैलेंटाइन डे के दिन दिल शेप का लाइटर आ जाएगा। तो एक ये आया है, और उसके बाद फिर ये एक मैं पर्स लेके आई हूँ। क्या है ना, वॉलेट की मुझे बहुत ज़रूरत थी, पर्स में मैं कोई सामान रखती हूँ तो वो इधर उधर हो जाता है, लाइक पैसे या कार्ड या फ़ोन। तो उसके लिए कि जो पैसे और थोड़ी एसेंशियल चीज़ें हैं वो इसमें आराम से रहती हैं, और ये मेन आपके जो पर्स बैग है उसमें चला जाए। उसके बाद फिर ना दो तीन टी शर्ट, तीन टी शर्ट लेके आई हूँ, वहाँ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो एक मैं ये वाइट लेके आई हूँ इन एक्सेल साइज, ये अभी समर के लिए काफ़ी सही रहेगी। तो एक ये लेके आए हैं, एंड देन फिर एक इस कलर में, एक क्रीम कलर में, सारी लाइट कलर ही लेके आई हूँ।
ये लेके आई हूँ, ऑल दो लाइट कलर बच्चों के साथ चलता नहीं है पर ठीक है। उसके बाद रेड ढूंढ रही थी यार, रेड मुझे मिला नहीं, फिर मैं इनको एक ये ब्लैक बहुत प्यारी लग रही थी, इसमें क्या लिखा हुआ है, गॉर्जियस योर यू लुक गॉर्जियस, यू लुक गॉर्जियस। और ये जो है एक एक ब्लैक टी शर्ट लेके आई हूँ, गर्मियों के लिए जीन्स के लिए काफ़ी अच्छे, तो एक ये सब लेके आई मैं वैलेंटाइन, तो ये लेके आई मैं वैलेंटाइन शॉपिंग के लिए, मतलब वैलेंटाइन डे शॉपिंग के लिए ज़्यादा खास रहते हैं मुझको बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं ये ईयरबड लेके आई हूँ बच्चों के कान को क्लीन करने के लिए आउटर सेक्शन से। फिर उसके बाद फिर ये सिंदूर एक लेके आई हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे आती हैं ये चार नेल पेंट। मुझे नेल पेंट लगाना बहुत शौक है, वीटू से जो नेल पेंट मैं लाती हूँ वो बहुत दिन तक चलती हैं, मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैं बहुत टाइम से ऑनलाइन नेल पेंट नहीं खरीद पाई हूँ, तो मैं अभी वीटू से ले रही हूँ, 40-40 रुपीज़ की है। इसमें एक ना ये ग्रीन ग्लिटर कलर लेके आए ये वाला, और एक ये पिंक, आज मैं चेंज करूँगी, तो ये शिमरी पिंक है, ये ग्लिटर ग्रीन है, देन फिर ये है ग्रे कलर, एंड ये है टेक्सचर में ब्लैक टेक्सचर है इसके अंदर, ये है ब्लू कलर। तो ये चार नेल पेंट जो हैं वो ले, तो मेरी वैलेंटाइन डे की शॉप सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, सरप्राइज कम शॉप ज़्यादा और राजा, तो एक कल या आज, शायद आज ही मैं सोच रही करने की, तो अगर हुआ भी ऐसा टाइम मैं कर पाई तो आई विल डू इट। और राजा को हम करने वाले हैं एनिवर्सरी से पहले शॉक, तो राजा का आ रहा था मेरे पास, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है किसी एक क्या बोलते हैं एक सेक्शन ऑफ वीडियो की, जो कि मैं बहुत पहले किया करती थी, एंड एक टाइम हुआ बेबीज के बाद मैंने नहीं करी, क्योंकि क्या होता नहीं है दिमाग आपका मेंटली इतना बोल ही रहता, तो ये क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही तो बन गया था, तो इसीलिए मैंने कुछ प्लान किया है। जी आई हुई गेट पे, तो कुछ प्लान किया है जो कि आएगा इन लाइक कमिंग अपकमिंग वीडियोज में, अपकमिंग में एक दो दिन में आने वाला है, एक झटका लगने वाला है, और ये जो झटका है ये ऑन कैमरा भी सबको लग सकता है और वीडियो में भी सबको लग सकता है, सॉरी राजा को तो लग ही सकता है, पर उससे पहले मैं इसका एक डेमो लेने वाली हूँ इनके साथ। तो चलिए यार, अब मैं करती हूँ वीडियो की प्लानिंग और एनिवर्सरी की प्लानिंग, मैं कर रही हूँ आपको इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि ये ब्लॉग कुकिंग से थोड़ा अलग था, थोड़ा घूमने फिरने का था, सेम ब्लॉग हो जाते हैं तो थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, एंड वी आर लाइक वेरी एक्साइटेड, पैकिंग भी करनी है, बहुत सारा काम है, तो अभी ये जो 15-20 दिन है इसमें बहुत सारा काम है, और बस चलिए मिलती हूँ, चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।